सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को मैक्रम का एक वॉल पीस, ऐसे ही छोटा शो पीस बताने जा रही हूँ। मैक्रम का एंजल, इसको मैं अपने व्यूअर्स के लिए तैयार किया है। ये छोटे मोटे कहीं भी कोई भी कील वगैरह में आप इसको छोटा सा चीज देंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप सो कहीं भी शो पीस की तरह इसको हैंग कर सकते हैं और ये वेस्टेज मैक्रम से भी बन सकता है। आप इसे जरूर ट्राई करिए और बहुत कम समय में बनता है ये। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इस किचन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का मैक्रम लिए है और साथ में जो यहाँ पे 2 मीटर येलो कलर का मैक्रम कॉम्बिनेशन बनाया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। किचन रिंग चाहिए एक और व्हाइट बीड्स चाहिए हमको और ब्लू बीड्स चाहिए कुछ और लाइटर और सीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने 6 कॉर्ड को कट किया जिसको मैंने 1-1 मीटर में कट किया है। फर्स्टली मैंने एक छोटा सा कॉर्ड लिए है, मैंने 1-1 मीटर में कट किया है। हम सारे कॉर्ड को फंसा लेते हैं। 6 कॉर्ड को मैंने सॉरी 8 कॉर्ड को मैंने यहाँ फंसा लिया है। अब ये एक एक्स्ट्रा येलो कलर का कॉर्ड लेंगे और सारे कॉर्ड के ऊपर हम फोल्ड कर लेंगे। एक राउंड हो गया फ्रेंड्स, हम बस ये वाला जो येलो कॉर्ड है इसको सेम घुमाते हुए हम डबल राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, डबल राउंड हो गया है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर के जो 2 कॉर्ड है उसमें हम एक बीड्स लगाएंगे। ये जो साइड साइड में मैंने एक एक कॉर्ड छोड़ा है इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, पाइप पिन कर लेते हैं। अब ये दोनों कॉर्ड को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 बीट्स लगा के ये ब्लॉक कंप्लीट किया है। अब 2 ब्लॉक के बीच में जो सेंटर का 2 कॉर्ड है इसमें हम बीट्स लगाएंगे। और 2-2 कॉर्ड छोड़ते हुए दोनों तरफ इसको 3 बीट्स में कन्वर्ट करके और सेम पैटर्न सेम डिजाइन हम तैयार कर लेते हैं, पाइप इन कर लेते हैं। बीट्स के साथ सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया है। अब फिर हम 2 ब्लॉक के बीच में एक बीट्स डाल करके
नीचे का जो नीचे का पोर्शन होता है वो बिल्कुल बन करके तैयार है। अब मैं यहाँ पे जो लास्ट का एक कॉर्ड है इसके ऊपर सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेती हूँ। दोनों तरफ का कॉर्ड मैंने पाइपिंग कर लिया है और बीच के कॉर्ड को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, इधर जो लास्ट का जो दो कॉर्ड है उसको हम छोड़ देंगे और ये ऊपर का रहने देंगे और नीचे का जो सेकेंड कॉर्ड है इसके ऊपर थ्री कॉर्ड को हम फोल्ड कर लेते हैं। फोर कॉर्ड को फोल्ड करना है, दो ही कॉर्ड छोड़ना है। अब फिर ऊपर के एक कॉर्ड को छोड़ देना है और नीचे के एक कॉर्ड को लेते हुए हमको थ्री कॉर्ड को पाइपिंग करनी है। एक कॉर्ड को छोड़ देना है, इस तरह से हो गया है फ्रेंड्स। अब इसी कॉर्ड को हम इधर घुमाएंगे, ऊपर वाले कॉर्ड पे हमको दो कॉर्ड को ऐसे फोल्ड कर लेना है। बाद ये जो नीचे का एक कॉर्ड है इस तरफ का जो हमने छोड़ा था उसमें एक बीड्स लगाएंगे और फिर इस तरफ से जो एक कॉर्ड है इसके ऊपर हम तीनों कॉर्ड को फोल्ड कर लेते हैं। सेकेंड वाले कॉर्ड में हम एक बीड्स लगा लेते हैं और ऊपर से एक कॉर्ड लेकर के इस सारे कॉर्ड को फोल्ड कर लेते हैं। सबसे लास्ट का जो एक कॉर्ड है इसमें भी हम एक बीड्स फंसा लेते हैं और फिर ये जो ऊपर का कॉर्ड है उसमें हम अब सारे कॉर्ड को एक तरफ के कॉर्ड को फोल्ड कर लेते हैं। ये एक तरफ का बन गया फ्रेंड्स, ये विंग्स है। अब सेम इस तरफ भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये दोनों विंग्स बन गया है। अब जो किचन है इसको लेंगे और इसके हाफ तक हम इसको इसे नॉट लगाते हैं, नॉट लगा लेंगे इसमें।
देखिए फ्रेंड्स, हेड की साइड में ये दोनों मैंने हाफ हाफ कर लिया है। अब नीचे वाला जो कॉर्ड है इसको हम कट करके और स्टिक कर लेते हैं। इसके ऊपर के पोर्शन को हम हैंगिंग के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हैंगिंग के लिए मैंने यहाँ पे बीच में एक बीट्स लगा दिया है, तो हम इससे इसको हैंग करेंगे। और अब यहाँ पे इसको हमको कट लगा लेना है और इसको हमको जोड़ लेना है। गोल घुमा लेना है तो ये हैंगिंग का हो जाएगा। अब जितना एक्स्ट्रा कॉर्ड है सारे को हम कट कर लेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये जो मैंने फर्स्ट कॉर्ड लगाया था इसको हम खींच देंगे, जिसके ऊपर मैं हमने सारे कॉर्ड को अटैच किया था। सावधानी से खींच लेंगे और इसको नीचे में इस तरह से हमको कर लेना है। खींचना नहीं है, बस इसका ये है लाइन है, इसको खींच लेना है। तो ये फ्रिल बन जाएगा। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इसे से मैंने इसको खोल दिया है और बहुत ही सावधानी से इसको लंबा किया है। खींचना नहीं है, बस इसको लंबा कर लेना है। और मैंने यहाँ पे इसके आईज के लिए दो बिंदी लगा दी है यहाँ पे ब्लैक वाली, और बीच का जो होल दिख रहा था इसमें मैंने ये ब्लू बीट्स को बस ऐसे ही फंसा दिया है। तो इस तरह से ये जो मेरा मैक्रम का एंजल है, छोटा सा वॉल पीस है, वो बिल्कुल बन करके तैयार है। इसमें बिल्कुल कम खर्च में ये बना है और ये वेस्टेज से भी बन सकता है। अगर आप इतना वेस्टेज है, 5-6 मीटर का वेस्टेज है, तो आप इसमें जरूर लगा सकते हैं। और इस तरह से ये जो मेरा एंजल है वो बिल्कुल बन करके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, आपके मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।